कानपुर में मिशन शक्ति संगम अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में स्कूल और कॉलेजों की छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महिला कल्याण राज्य मंत्री स्वाति सिंह, महापौर प्रमिला पांडे, क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा, महिला आयोग की सदस्य पूनम कपूर, पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान इंडियन आइडल कार्यक्रम की प्रतिभागी गायिका फरहान नाज की तरफ से भी गाए गए देशभक्ति गीतों ने वहां पर लोगों का मन जीत लिया। इसके साथ ही महिला कल्याण मंत्री और बाल विकास और पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वाति सिंह ने बताया कि बीते 4 महीने से कार्यक्रम को सफल बनाने में पुलिस कर्मियों और अन्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। तो कानपुर का ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर मिशन शक्ति संगम अभिनंदन का ये कार्यक्रम रखा गया। स्वाति सिंह ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तमाम और लोग भी उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। साथ ही आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम तो रखे ही गए, इसके अलावा जो तैयारियां काफ़ी दिनों से चल रही थी, उन सभी लोगों को भी सम्मानित किया गया। साथ ही पुलिस कर्मियों को भी यहाँ पर सम्मानित इस कार्यक्रम में किया गया। द्वारा मिशन शक्ति फेज 3 चलाया जा रहा है और आज कानपुर कमिश्नरेट में उसी का 34वां कार्यक्रम यहाँ पर था। इन लोगों ने इससे पहले 33 ऐसे कार्यक्रम किए हैं, जो कि हम पुलिस महकमा जितना भी है वो सभी जगह प्रचार प्रसार कर रहा है कि सरकार की क्या क्या योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए, बेटियों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही साथ वो समाज के अन्य लोगों को, जैसे सिंगल पेरेंट अगर कोई महिला है, कोई वरिष्ठ व्यक्ति है समाज में, तो उनको भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हेल्थ कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं। कन्नौज पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के कुशल निर्देशन और नेतृत्व में पुलिस कार्यालय सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में व्यापारी वर्ग की मीटिंग आयोजित की गई। अपर पुलिस अधीक्षक की तरफ से सभी व्यापारियों को अपनी अपनी दुकानों में CCTV कैमरे लगवाने और यातायात सुरक्षा से संबंधित रोड पर अतिक्रमण न करने के लिए कहा गया और व्यापारी वर्ग की समस्याओं को सुनकर उनको मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश भी दिए गए। तो कन्नौज में व्यापारी वर्ग की ये मीटिंग आयोजित की गई, तस्वीरें आप इस मीटिंग की देख सकते हैं। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी इस मीटिंग में दिए गए। साथ ही आपको बता दें कि सभी अधिकारियों को अपनी दुकानों में CCTV कैमरे लगाने के लिए, साथ ही यातायात के नियमों को पालन करने के लिए भी कहा गया। वहीं आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा से संबंधित रोड पर अतिक्रमण न करने के लिए भी कहा गया। व्यापारी वर्ग की समस्याओं को सुनकर उनको मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश भी इस मीटिंग में दिए गए। लखीमपुर खीरी में कांग्रेस की पहली प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल शामिल हुए। मंच से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने भी सभा को संबोधित किया और मंच से CM बघेल ने छत्तीसगढ़ मॉडल की बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपी में अगर कांग्रेस सरकार आती है तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू कर किसानों को धान का 2500 प्रति क्विंटल दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और कहा कि सरकार उनकी रैली नहीं होने देना चाहती है। तो लखीमपुर में कांग्रेस की ये पहली प्रतिज्ञा रैली का आयोजन किया, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस रैली में शामिल हुए। साथ ही आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भी यहां पर इस प्रतिज्ञा रैली में हिस्सा लिया और मंच से जनता को संबोधित भी किया। साथ ही आपको बता दें, भूपेश बघेल ने BJP पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों को छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सुविधाएं दी जाती हैं, वही सुविधाएं यहां दी जाएंगी उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ मॉडल लागू किया जाएगा। ऐसा हो गया है, इतना डर क्यों रहे योगी जी? सर क्या कहा गया आपसे, क्यों परमिशन नहीं दी जा रही थी, क्या हुआ? हमारे लोगों से लिखित में लिया गया कि इसमें इस चर्चा होगी लखीमपुर की घटना के बारे में, टेनी के बारे में आप नहीं करें, बात नहीं करेंगे। इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे अब तक? इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? मतलब लेना चाहिए उनका इस्तीफा, जब SIT की रिपोर्ट में सारी बात आ गई, जब गाड़ी उसके नाम से है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
भारतीय जनता पार्टी की ओर से जन विश्वास यात्रा की शुरुआत पिछले दिनों की गई है। वहीं पूरे प्रदेश में चल रही जन विश्वास यात्रा की अगुवाई तमाम केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा बुधवार को गोंडा से चलकर बलरामपुर पहुंची। इस यात्रा की अगुवाई कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने की। वहीं इस यात्रा के साथ सभी विधायक और राज्य मंत्री पलटू राम मौजूद रहे और उतरौला विधानसभा क्षेत्र के सहियापुर इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक ने विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और बीजेपी की नीतियों को जनता को बताने का काम भी किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2022 के आम चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी अपार बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने वाली है। उसका कारण यह है कि 2017 से पहले जो भी सरकारें उत्तर प्रदेश में रही, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी की हो या कांग्रेस पार्टी की रही हो, किसी ने भी जनता के हक और हुकूकों का उतना ख्याल नहीं रखना जितना भारतीय जनता की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने रखा। कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया विधानसभा में सपा की विजय रथ यात्रा का आगाज हुआ। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को और तेज करने के लिए सपा ने इस अभियान की शुरुआत की है। इस रथ यात्रा में सपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में जाकर सपा की नीतियां गिनवाई। ये चार चरणों में हमने विधानसभा अकबरपुर रनिया का प्रथम चक निकाला, जो किशनपुर से उठकर पूरे विकास खंड अकबरपुर, जिसमें हर बूथ से 20 यूथ और हर बूथ से जिम्मेदार लोग, बड़े बुजुर्ग और आशीर्वाद के रूप में माताओं बहनों का सहयोग, आशीर्वाद लेकर इस यात्रा को निकालने का काम किया है। मेन संकल्प ये है कि भविष्य में 2022 में विशाल जन समर्थन आज आपको देखने को मिला होगा इस विजय संकल्प यात्रा में। ऐतिहासिक मतों से समाजवादी पार्टी के MLA अकबरपुर रनिया से जीतेगा और हम लोग तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक उत्तर प्रदेश का यशस्वी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को पुनः उस गद्दी पे नहीं बैठा देंगे और अकबरपुर रनिया से पुनः समाजवादी पार्टी MLA नहीं बना लेंगे, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले हैं।